सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा में भी मिशन शक्ति के चौथे चरण को किया गया लॉन्च। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस लाइन से निकाली गई रैली, एडीजी ने हरी झंडी दिखाकर महिला सशक्तिकरण रैली का किया शुभारंभ। पुलिस लाइन से रैली शहर के प्रमुख चौराहों का भ्रमण कर सूरसगन पर होगी समाप्त। शहर से लेकर देहात की ग्राम पंचायतों और वार्ड में जाकर महिलाओं से करेगी संवाद स्थापित। बीट पुलिसिंग कर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का करेंगी निराकरण। समस्याओं के निस्तारण के साथ सरकार की योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। व्हाट्सएप के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध। कि आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मिशन शक्ति का ये चौथा पड़ाव हम शुरू कर रहे हैं, जो निरंतर जारी रहेगा। इसमें पुलिस एक नोडल विभाग रहेगा, गृह विभाग एक नोडल विभाग रहेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने विभाग हैं उनके जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो सभी लोग हम लोग हमारे बीट आरक्षी, बीट सब इंस्पेक्टर्स के साथ जो महिला बीट आरक्षी हैं, जिनको अब नाम शक्ति दीदी का दिया गया है, उनके साथ मिलकर चाहे हमारा पंचायत भवन हो, चाहे हमारा स्कूल हो, जिस दिन छुट्टी हो स्कूल में, जहाँ पंचायत भवन नहीं है, या अन्य ऐसे जो सरकारी अदारे हैं गांव लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, वहाँ पे ये सभी लोग जाएंगे और वहाँ के महिलाओं को इकट्ठा करेंगे और क्या उनकी योजनाएँ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या योजनाएँ हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की क्या योजनाएँ हैं, क्या लाभ उससे वो उठा सकते हैं, इन सब पे उनसे चर्चा परिचर्चा होगी। उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे, उनको इसका लाभ कैसे लेना है उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लोगों को अपने हकों के बारे में, महिलाओं को अपने हकों के बारे में, बालिकाओं के अपने हकों के बारे में आगाह करना। और अगर उनके साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो बाहरी तत्व के द्वारा कोई छेड़छाड़ या इस तरह का प्रकरण हो, उनको वो निसंकोच बिना किसी हेजिटेशन के अपने शक्ति दीदी को बताएं, जो कि हमारी महिला बीट कांस्टेबल है या महिला बीट सब इंस्पेक्टर है, उनके सामने अपनी चीज़ें रखें। इस सपने को पूरा करने के लिए ये जो मिशन शक्ति 4 है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज से पूरे प्रदेश में शुभारंभ इसका किया जा रहा है। और उसी के क्रम में आगरा कमिश्नरेट में आज सुबह 8:30 बजे माननीय मंत्री जी के साथ, और हमने अपने जितने महिला बीट कांस्टेबल्स हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनके साथ आज एक रैली निकाली है। इसके बाद 11 बजे यहीं पे सुर सदन में एक विमर्श होगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण रहेंगे, मौजूद रहेंगे, सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो संबोधन करेंगे लखनऊ से, उसको भी सभी लोग सुनेंगे। सभी बालिकाएं यहाँ पे आएंगी, पुलिसकर्मी यहाँ पे आएंगे, और फिर जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनके संबोधन को सभी सुनेंगे, अधिकारियों के संबोधन को सुनेंगे। मंत्री के आह्वान पर सशक्ति नारी सशक्त भारत, आज नारी शक्ति पुलिस कमिश्नरेट आगरा ने सशक्त नारी सशक्त प्रदेश की तर्ज पर एक जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें पुलिस अधिकारी और कर्मचारी निकले हैं। मुझे भी लगभग 20 किलोमीटर बाइक चला करके महिला सशक्तिकरण होगी तो आधी आबादी सशक्तिकरण होगी, तो जिला खुश देश खुश, महिला शिक्षित देश शिक्षित, महिला अगर आज़ाद है आज़ादी प्रकार की विचार व्यक्ति स्वतंत्रता संपत्ति की सुरक्षा की देश आगे बढ़ेगा। जहाँ स्त्री रहती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने नारी महिला आरक्षण करके महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया, सिर्फ दुर्ती देश का राजनीतिकरण करके महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए आज ये है कि 10 नंबर कंप्लीट करना है, 108 को कंप्लीट करना है, बाकी नंबर को करना है। महिलाओं के मोबाइल में ये फीड होना चाहिए, उठ तक बैठ तक उन्हें समझना चाहिए, जब वो किसी आपत्ति में हों तो पुलिस कंट्रोल में हो, 108 10 नंबर आदि। जी, ये महिला सशक्तिकरण का चौथा चरण है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया
किया जा रहा है आज, और कल 15 अक्टूबर से हमारी जो महिला बीट कांस्टेबल्स हैं ये सभी अपने विभिन्न ग्राम पंचायत, जो प्रदेश के 57,507 ग्राम पंचायत हैं और वार्ड्स हैं, उन सभी में ये जाकर महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगी और उनकी जो समस्याएं हैं सुनेंगी और उसको निस्तारित करेंगी। आज यहाँ पर कमिश्नरेट आगरा के प्रांगण में, पुलिस लाइन के प्रांगण में, जो सीपी श्री प्रतिंदर सिंह द्वारा और उनकी टीम द्वारा ये महिला रैली निकाली गई है, ये एक तरीके से इस मिशन शक्ति चौथे चरण को लॉन्च किया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस प्रांगण में उपस्थित हूँ और इस रैली को मैं एक हरी झंडी दिखा सकी हूँ। हमारी महिलाएं जो पुलिस प्रशासन में हैं वो एक बहुत ही अहम रोल इसमें अदा कर रही हैं और प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप विभिन्न ग्राम पंचायत, वार्ड्स और जो पंडाल लगे हैं उन सभी में जा रही हैं और महिलाओं को एक सशक्त माहौल देने का प्रयास है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके संबंध में जानकारी दी जा रही है और जो उनकी शिकायतें हैं, परेशानियां हैं और तरह तरह के उनकी जो प्रताड़नाएं हैं उन सब के संबंध में हमारी महिला बीट कॉन्स्टेबल्स उनसे वार्ता करेंगी, उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगी, उनकी शिकायतों का समाधान ढूंढेंगी और उनके साथ एक ये लंबे समय के लिए संवाद स्थापित रहेगा ताकि वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकें और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो पुलिस तक की पहुंचा सकें। और ये एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम भी है कि हम महिलाओं तक जा रहे हैं और जो प्रदेश की आधी आबादी है उसको एक एहसास दे रहे हैं कि वो इस प्रदेश में सुरक्षित हैं, सशक्त हैं और एम्पावर्ड हैं।